हमारी फिलॉसफी अद्वैत की है, द्वैत की विशिष्टता, द्वैत की शुद्धता, द्वैत की द्वैता, द्वैत की इसी तरह चार्वाक की है, हम उसको क्यों न माने। कलयुग में लोग तार्किक बहुत होंगे, हर बात को तर्क की कसौटी पर कसना चाहेंगे, वेद को प्रमाण नहीं मानेंगे, आप तो वाक्य को प्रमाण नहीं मानेंगे, जबकि सिद्धांत यही है कि जहाँ वेद हो गया, वेद की के ऊपर बात आ गई, वहां प्रमाण है, आप तो वाक्य प्रमाण है, लेकिन वो तो कहेंगे हमारे लॉजिक पर आना चाहिए, कहेंगे लड्डू लड्डू कहने से मुख नहीं मीठा होता, तो राम राम कहने से कैसे राम का धाम मिलता, रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता है तो राधा कृष्ण कहने से क्या मिल जाएगा। यद्यपि इसमें बहुत बड़ा अंतर है, लड्डू शब्द में लड्डू नहीं है, लड्डू अलमारी में है और शब्द हमारे मुंह में, लेकिन राम नाम जो शब्द है वो जहां बोला गया उसी राम नाम के उच्चारण में ही राम नाम, वो अलग नहीं, इसलिए राम बोलने पर राम जी आए, लेकिन व्यवहार में भी बिना नाम के वस्तु नहीं मिलती है। होटल में चले जाओ रोटी खाने और मन में ठान रखो कि रोटी नाम नहीं लेंगे, और परसने वाले से कहो लाओ जी, देव जी खिलाओ जी, और पूछेगा क्या लाएं, क्या खिलाएं, क्या दें, वो कहेंगे नाम नहीं बताएंगे, लाओ बस, तो होटल का मालिक कहेगा धक्का मार के निकालो बाहर इस पागल, टाइम बिगाड़ने आया, रोटी का नाम नहीं लोगे तो रोटी भी नहीं खाने को मिलेगी, नाम लेने से ही काम चलता है, नाम के बिना तो काम होगा ही नहीं, लेकिन तार्किक व्यक्ति अपने कुतर्क की कसौटी पर हर चीज कसने का दुस्साहस करता है। श्री बृहस्पति जी महाराज को एक चिंता हुई कि कलयुग में धर्म कैसे रहेगा, कलयुग में लोग कुतर्क बहुत करेंगे, उसका खंडन करना चाहिए। उन्होंने एक ब्राह्मण के यहां जन्म लिया, उनका नाम हुआ भीषण मुनि। भीषण मुनि ने यह निश्चय किया जितने कुतर्क कलयुग में हो सकते हैं सब मैं एकत्रित करूं, और जब इकट्ठा करते करते बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाए कुतर्कों का, तब सबका एक एक तरफ से खंडन करूं, पूर्व पक्ष पहले नोट कर लूं, फिर अपना उत्तर पक्ष खंडन वाला लिखूंगा। श्री भीषण मुनि ने सारी दुनिया में नास्तिकों के द्वारा जितने कुतर्क हो सकते हैं सब एकत्रित किया, बड़ी मेहनत की होगी, पत्रकार लोगों से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है सबके मंतव्य नोट करने के लिए, बहुत दौड़ लगाई होगी, बड़ा परिश्रम किया होगा, और सारे कुतर्कों का बड़ा भारी भंडार उन्होंने बना लिया, एक महाग्रंथ बना लिया, और निश्चय किया कि कल सुबह से इन सब कुतर्कों का एक एक का खंडन लिखूंगा और कलयुग का पांव नहीं जमने दूंगा। रात में कलयुग पहुंचा भगवान के पास, महाराज अभी तो मेरा समय शुरू ही हुआ है और ये भीषण महात्मा मुझे शुरू शुरू में ही मार डालना चाहते हैं, क्या चाहते हो महाराज, ये मेरे समय के कुतर्कों का एक खंडन नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, भीषण को मैं अपने धाम में बुला लेता हूं। भीषण रात में ही चले गए ठाकुर जी के धाम, वो तो चले गए भगवान के धाम, लेकिन जो कुतर्कों का भंडार इकट्ठा कर लिया था महाकोठा वो तो नहीं गया, तो वो जो कुतर्कों का भंडार मिल गया वो बनी बनाई चीज वो चार्वाक को मिल गया। भीषण ने तदा प्रोक्तम चार्वाकम मत गर्हितम, भीषण ने जो इकट्ठा किया कोई चार्वाक मत हो गया, अर्थात चार्वाक मत का कोई स्थायित्व तो नहीं है, वो पूर्व पक्ष है, वो समाधान नहीं है, वो खंडन करने के बाद सत्यता घोषित हो सकती थी किंतु वो सत्यता घोषित नहीं हो पाई।
मैं आपको इस बातों को इसलिए समझा रहा हूँ कि प्राचीन बरही जो यज्ञ कर रहे थे वो प्रामाणिक नहीं थे, और प्राचीन बरही के पास श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही तो जो यज्ञ कर रहा है इनसे क्या मिलेगा? उसने कहा, महाराज दिखलाया, प्राचीन बरही ने देखा ऊपर के लोक में खूंखार जीव मुंह खोले हुए, दांत निकाले हुए, पैनी सिंगों को ताने हुए, पैने पंजों के नाखूनों को ताने हुए इंतजार कर रहे हैं किसी का। प्राचीन बरही ने पूछा, देवर्षि ये क्या है? बोले, बेटा ये सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू ऊपर जाए, जिन जिन जीवों को मारा है तूने वही है सब, और सब तेरा इंतजार कर रहे हैं कि तू ऊपर पहुंचे और तेरी तोड़ फाड़ेंगे, यही मिलेगा तुझे स्वर्ग। बड़ा घबराया हो, बोला, महाराज अब मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, सावधान होकर के श्रवण कर, तेरे कल्याण का उपदेश सुनाता हूं। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्सवा तस्या विज्ञासीत नामासीत सखा विज्ञात चेष्टितः। बहुत बड़ी कथा सुनाई है लेकिन मैं समय के पैमाने में सुनाऊं। पुरंजन नाम का एक राजा था, वो अपने विश्राम के लिए सारी दुनिया में भटकता रहा। एक दिन उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में पांच सुंदर सुंदर बगीचे के मध्य में एक दुमंजिला भवन उसको दिखलाई पड़ा। उस भवन के ऊपर की मंजिल में सात दरवाजे, नीचे की मंजिल में दो दरवाजे, और उसके सामने जो बगीचा था उस बगीचे में उसने देखा सुंदर सी एक स्त्री घूम रही। उस स्त्री के पीछे पांच खण वाला एक सांप चल रहा है और उसके साथ साथ चल रहे हैं दस नौकर, दस में से पांच एक जैसी वर्दी वाले, पांच एक जैसी वर्दी वाले और दसों का एक हेड चल रहा है। उन सब के साथ वो स्त्री चल रही है। तो पुरंजन ने पूछा कि देवी तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? उसने कहा, मुझको ये नहीं पता कि मैं किसकी पुत्री हूं, तुम शादी करना चाहो तो कर सकते हो। पुरंजन ने कहा, मैं तैयार। उसकी शादी पुरंजन से हो गई इसलिए वो पुरंजनी कहलाई और वो महल में लेकर उसको रहने लग गया। वो महल में बड़े आनंद के साथ रह रहा है। सुखदेव जी तो बड़ा बृहद वर्णन करते हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे पत्नी भक्त दुनिया में मिलेंगे नहीं जैसे पुरंजन। आप तो शायद साथ साथ खाना पीना कर लेंगे, साथ साथ घूमना टहलना कर लेंगे, लेकिन वहां तो इससे आगे की बात है। वहां तो ये बात थी कि जब पुरंजनी खांसती थी तो पुरंजन खांसता था, जब पुरंजनी छींकती थी तो पुरंजन छींकता था, जब पुरंजनी जमाई लेती थी तो पुरंजन जमाई लेता था। हर क्रिया उसके साथ उसके अनुसार। पुरंजनी को छोड़कर एक दिन पुरंजन कहीं जंगल में चला गया और वहां उसकी याद उसको आई तो घर लौट कर आया, चरणों में गिर के क्षमा मांगा। तब तक उस पुरंजन पुर पर आक्रमण कर दिया एक शत्रु ने। उस शत्रु के पास 720 सैनिक थे चंडवेद के पास, और 720 सैनिकों में से 360 काली काली वर्दी वाले, 360 सफेद ड्रेस वाले, और वो सब आक्रमण किए। तो पुरंजनी ने अपने पांच फण वाले सर्प को कहा, प्रजागर मार डाल इन लोगों को। प्रजागर ने चोरों के साथ युद्ध करना शुरू किया। यज्ञ बहुत मेहनत किया उस बेचारे ने, लेकिन युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा, रात दिन युद्ध चलता रहा। चंडवेग ने कहा, मेरी शक्ति कम नहीं पड़ेगी। काल कन्या तुरंत उसके साथ बोली और उसने आक्रमण किया खोपड़ी पर, और तुरंत पुरंजन जो था शिथिल पड़ गया। कालकन्या, चंडवेद, इन सब ने मिलकर के सारी सेना के द्वारा आक्रमण करके पुरंजन पुरी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, आग लगा दी। पुरंजनी निकल करके भागी, पुरंजन नहीं निकल पाया। पुरंजनी का चिंतन करते करते वो मरा
इसलिए वो जाकर के एक राजा की पुत्री बन करके जन्म लिया। और वहां उसका जब विवाह हुआ एक राजकुमार से, तो थोड़े दिन में वो काल कौलित हो गया। और वही पुरंजन अब जो लड़की है बहू बन चुका, फिर विधवा हो चुका, वो अब सती होने के लिए चला। जब चिता पर बैठा उसी समय एक साधु जी आए। साधु जी आकर के बोले, तुम सती होने क्यों जा रही हो? तुमको याद नहीं है तुम पूर्व जन्म में पुरंजन थे? सच्चाई है कि तुम पुरंजन भी नहीं थे, तुम एक हंस थे और मैं भी एक हंस हूँ। हम तुम दोनों हंस हैं, हमारी तुम्हारी सच्ची मित्रता है। तुम मेरे प्रेम को पहचान नहीं रहे हो, इसलिए जलकर मरने जा रहे हो। मुझे पहचानो, मुझसे प्रेम करो। प्राचीन बरी ये कहानी समझ में आई। प्राचीन बर ने कहा, महाराज न जाने कहां कहां का जोड़ जाड़ के सुनाया आपने, कुछ नहीं पल्ले पड़े। बोले, भैया पुरंजन तू ही है। पुरंजन कौन है? बोले, पुरंजन तू ही है। पुर में, इस देह रूपी पुर में रहता इसलिए पुरंजन है। महाराज पुरंजनी कौन है? पुरंजनी बोले बुद्धि है, बुद्धि पुरंजनी है। और महाराज ये पांच बगीचा क्या है? बोले, पांच बगीचा जो क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पंचभूत पांच बगीचे हैं और इनके बीच में महल। बोले, वो महल यही देह है। इसके ऊपर की मंजिल में सात द्वार हैं, मुख के, नाक के, कान के, ये सब जोड़ लो तो सात द्वार हैं। और दो द्वार नीचे की मंजिल में मलमूत्र त्याग के, और पुरंजनी पुरंजन के साथ रहती है। प्रजागर सर्प इनका रक्षक है। प्रजागर सर्प कौन है? पांच खणधारी सर्प है। ये है प्राण, अपान, ज्ञान, समान, उदान, ये पंच प्राण जो हैं, ये प्रजागर सर्प है। योगाभ्यास के द्वारा जीव इनसे शक्ति को प्राप्त करता है। किंतु ग्यारह नौकर, बोले पांच पांच अलग अलग वर्दी वाले, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और एक उनके हेड साहब मन, ये सब हैं साथ में। लेकिन जो चंडवेद ने आक्रमण किया है उसके 720 सैनिक, 360 काली वर्दी वाले, 360 सफेद वर्दी वाले, वो कौन है? 360 दिन और रात साल भर के, और काल उनको लेकर के आक्रमण किया है। साथ में काल कन्या भी है। ये काल कन्या कौन है? बोले बुढ़ापा। ये बुढ़ापा खोपड़ी पर चढ़ बैठी और इसने सब बाल और दाढ़ी मूछ सब सफेद कर दिए, इसने कमजोर बना दिया। और प्रजागर सर्प अर्थात पंच प्राण दुर्बल पड़ गए और काल ने जीत लिया। बुद्धि निकल कर भागी अगले जन्म में साथ आने के लिए, लेकिन पुरंजन का शरीर तो जल गया। आगे जाकर कहीं जन्म होता है फिर वो सती होना चाहता है तो भगवान सावधान करते, मूर्ख द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया। ये जीव और परमात्मा दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। सच्चे सुहृद एक ईश्वर हैं, इसको समझ ले तो तेरा सारा दुख मिट जाएगा। समझाया है नारद जी ने, हे प्राचीन बरहि यथा करोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजो कुशाखा प्राणापहारस्येथेन्द्रियाणाम्। चतुर्थ स्कंद पूर्ण हुआ। पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैंने उत्तानपाद के वंश का विस्तार सुनाया, ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, अब उनके जो छोटे भाई प्रियव्रत जी थे उनके विषय में सुनो। उनके वंश में भी भगवत अवतार और भक्तों का अवतार हुआ है। सुनते ही परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या कहा आपने? क्या प्रियव्रत जी का भी वंश चला? बोले, आश्चर्य तुमको क्यों हो रहा? बोले, महाराज मैंने तो ऐसा सुना था कि प्रियव्रत जी तो जन्मजात विरागी त्यागी थे, वो गृहस्थ में क्यों फंसे? प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूलह कर्म बंध पराभव।
बोले यद्यपि आत्माराम थे लेकिन गृहस्थ में फंसे इसलिए कि ब्रह्मा जी ने उनको समझा दिया कि बेटा पहले घर द्वार बसा करके धीरे धीरे काम क्रोध आदि जीत करके तब संन्यास लेना चाहिए, बचपन से साधु संन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी की बात को मान लिया प्रियव्रत जी ने और प्रियव्रत जी महाराज ने गृहस्थाश्रम को भी स्वीकार किया है, लेकिन बाद में नारद जी महाराज के उपदेश को श्रवण करके वो सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए चले। इन्हीं के वंश में आग्निद्र हुए, आग्निद्र के पश्चात नाभिजी हुए और नाभिजी ने भगवान की आराधना की, यज्ञ किया। यज्ञ में ठाकुर जी ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों तुम जो भी मांगना चाहो मांगो। ब्राह्मण इतने त्यागी तपस्वी थे कि उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे यजमान को जो मांगे वो दे दीजिए। तो नाभि महाराज ने कहा, हे प्रभु मैंने आपके स्वरूप का जब दर्शन प्राप्त किया तो मन में वात्सल्य उमड़ आया। अब तो मन में एक ही बात आ रही है कि आप जैसा बेटा मिले तो बहुत आनंद मिले। बोले मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बोले महाराज यदि आप पूछेंगे तो मैं तो अपने मन की ही कहूंगा, आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए। भगवान ने कहा मैंने एवं अस्तु पहले ही कह दिया, इसलिए देना तो पड़ेगा। नाभि महाराज के यहाँ परमात्मा ने अवतार लिया है और उनका नाम हुआ ऋषभ। चंचोले ऋषभ देव भगवान की जय। जैनियों ने उनको अपना आदि तीर्थंकर माना है और हम सनातन धर्मियों ने उनको अपने 24 अवतारों में 8वां अवतार माना है। अष्टमे मेरुदेव्यं तु नाभिर्जातुरुक्रमः दर्शन वर्तमान धीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। सभी आश्रमों के द्वारा नमस्कृत जो ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ है उन्होंने गृहस्थाश्रम को भी धन्य किया और बाद में तो सर्वस्व त्याग करके वे वन में जाकर के रहने लगे। फिर जब लोग उनको बहुत भजन में बाधा डालने लगे तो मुंह में पत्थर एक रख लिया, बोलते ही नहीं। फिर भी लोग तमाम वर मांगने के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आते रहे तो फिर श्री ऋषभ देव जी महाराज ने एक अशुचि आचरण किया। उन्होंने मलमूत्र त्याग करके शरीर में लपेट लिया जिससे कोई पास में ना। लेकिन ये अनुकरणीय आचरण नहीं। कोई यदि जैनी ये कहता है कि हमारे ऋषभ देव जी महाराज शरीर नहीं धोते मलमूत्र लपेटे रहते हैं तो हमको भी नहाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंधानुकरण है, ये विवेक पूर्वक अनुकरण नहीं। परमात्मा के सामर्थ्य की होड़ मनुष्य नहीं कर सकता है। ऋषभ देव परमात्मा है, ऋषभ देव ईश्वर हैं, वो मलमूत्र भी लपेटते हैं तो सुगंधी निकलती है। भगवान के उपदेश को मानना चाहिए, आदेश को मानना चाहिए, भगवान के आचरण की नकल बिना उनकी आज्ञा के नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीव को परेशानी में पड़ जाना पड़ता है। शंकराचार्य भगवान के जो विभूति होते हैं पार्षद होते हैं उनकी भी नकल करना मुश्किल। भगवान शंकराचार्य ने देखा कुछ उनके अनुयायी पाखंडी हो गए थे, उन्होंने सोचा इनको कैसे मैं निकालूं, तो उन्होंने परीक्षा करके उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए जा रहे थे। एक रास्ते से तो देखा कि एक जगह मछली बिक रही है तो उन्होंने तमाम जिंदी मछलियां खरीद करके और पानी 5 लीटर पी करके सबको निकल ले। और पीछे से वो धोमी चेला लोग आए तो मछली के विक्रेताओं ने उपवास करते करते बिल्कुल प्राण निकलने वाले थे तब हमने कुछ खाया। क्या खाए? जो आप खाए सो हम खाए। अरे क्या खाए बताओ? चेलों ने कहा महाराज गुरुजी जो आप खाए सो ही हम खाए। क्या खाए? बोले आपने मछली खाया हमने भी मछली खाया। बोले अच्छा चलो तालाब के किनारे। तालाब के किनारे गए शंकराचार्य जी ने और जल पी करके वमन किया, सारी मछलियां जिंदी तालाब में तैरने लगी। बोले ठीक है तुम भी निकालो। सबने कहा महाराज वो कहां निकलने वाली। बोले अब वो नहीं निकलने वाली तो तुम निकल जाओ यहां से चुपचाप, भाग जाओ यहां से। उनके दंड भी छीन लिया, भगा दिया।
किसी सामर्थ्यवान पुरुष की नकल ना समझी बस नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव महाराज अशुचि आचरण करते हैं तो हम जैनी कहलाने वाले उनका आचरण अनुकरण करें, ये ठीक नहीं। आप तब तक अनुकरण नहीं कर सकते हो जब तक देह में अभिमान है। श्री व्यास जी ने भागवत के 11वें स्कंद में कहा है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावन न जायते। बोले जब तक या तो पूर्ण वैराग्य शरीर से न हो जाए तब तक कर्मों का त्याग मत करो, और या तो जब तक प्रभु के प्रेम में एकदम सरस होकर के बहने लग जाओ, तुम्हें कुछ याद न रहे, ठाकुर जी के मस्त बस प्रेम रस में मस्त हो जाओ, तब भी तुम्हारे लिए कर्म बंधन नहीं रहे। नहीं तो कर्म तो करना ही है, शास्त्रानुदेशित कर्म करना है, मनमानी नहीं। ऋषभ देव जी महाराज ने एक दिन ज्वाला जोर से भड़की हुई थी, उसी में जाकर प्रविष्ट हुए, शरीर का अंत किया है। जाने के पूर्व अपने बच्चों को अपने बेटों को समझाया है कि जो हमारा ज्येष्ठ पुत्र भरत है उसी के अनुगमन करना, उसी की बात तुम लोग मानना। ये भरत जी महाराज बहुत प्रतापी थे, इनके छोटे भाई कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये 9 भाई भरत जी से छोटे थे। इन सबको योगी राज का पद मिला है, योगेश्वर हुए, और इनसे जो छोटे थे वे सब के सब 90 वो सब राजा बनाए गए, उनके लिए छोटे छोटे राष्ट्र के खंड हुए। इन 9 योगेश्वरों का वर्णन 11वें स्कंद में आए। श्री भरत जी महाराज की यहाँ कथा आती है कि भरत जी तप करने के लिए गए हैं, कहाँ? पुलहाश्रम। पुलहाश्रम किसको बोलते हैं? जहाँ पुलह ऋषि का आश्रम है। ये पुलहाश्रम गंडकी नदी के किनारे है। ये गंडकी नदी जो काली गंडक के नाम से नेपाल से चलती है, बाद में गंडक और फिर आकर के नीचे श्री माता गंगा जी मिल जाती है बिहार में, तो ऊपर जब गंडकी चलती है काली गंडक, वहां गंडकी में भगवान शालिग्राम है। वहां तो अनंत रूप धारण करके शालिग्राम जी विराजमान हैं, और शालिग्राम शिलायत्र तीर्थम तत्र क्रोशी युग्मकम, शालिग्राम की तो अनंत महिमा है। बहुत ही सरल हैं, बड़े ही सुलभ हैं। शालिग्राम के लिए प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती भाई, अलग अलग चिन्ह के अलग अलग लक्षण के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम की पूजा सभी को करनी चाहिए, शालिग्राम की पूजा सभी को करनी चाहिए। माता लोग अपवित्र अवस्था में पूजा नहीं करें, लेकिन भाई शालिग्राम की पूजा माता करे ही नहीं ये बात नहीं। कोई स्त्री शालिग्राम की पूजा करे ही नहीं ये बात नहीं है। शालिग्राम की पूजा अपवित्र अवस्था में माता नहीं करें, किंतु पवित्र अवस्था में कर सकती है, मैं इसका प्रमाण देता हूं, कर सकती है। गंडकी नाम की वेश्या, और हमारी माताएं तो बड़ी पवित्र, मैं वेश्या की बात सुना रहा हूं, वेश्या गंडकी, उसका एक नियम था कि प्रातः काल सूर्योदय के समय जो प्रथम व्यक्ति आएगा वो मेरा अगले दिन के सूर्योदय तक के लिए पति होगा, और मैं पति के धर्म का उसके साथ निर्वहन करूंगा। बड़ी सावधानी से इस धर्म का निर्वहन करती थी। एक दिन एक व्यक्ति आया, श्वेत वस्त्रधारी, उसका स्वागत सत्कार किया। कथा जल्दी जल्दी सुना रहा हूं क्योंकि बहुत कथाएं सुनानी। तो जब उसको कहा कि आप प्रसाद पाइए, भोजन करिए, विश्राम करिए, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा भोजन करके बोला मुझे स्नान कराओ। तो स्नान कराने लगी जब गंडकी वेश्या, तो उसके शरीर में तमाम गलित कुष्ठ कूए शोणित दुर्गंध रक्त मवाद निकलने लगा। वो चिल्लाने लगा, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे परेशान मत करो, धीरे से पानी डालो, धीरे से पोछो, दवाई लगाओ। घंटों सेवा की, उसके बाद बिस्तर पर लेटते ही उसको दस्त होने लग गए, दस्त पर दस्त आने लगे, और गंडकी उसके वस्त्र को बदलती रही, दूसरे वस्त्र पहनाती रही, उसको हटाई दूसरे वस्त्र पहनाई, इस कार्य में लगी रही शाम तक। वो आदमी बिल्कुल डिहाइड्रेशन उसको हो गया, कमजोर हो गया। रात में लगा कि इसके प्राण अब निकल जाएंगे,
गंडकी के पास जितनी औषधियां थी सबका उसने प्रयोग कर डाला। सुबह होने के पहले गांव के लोगों ने कहा, ए वेश्या पागल हो गई है क्या, इस आदमी को भगा घर से, ये मर जाएगा तेरे यहां। उसने कहा, मेरे पति देव, मैं निकालूंगी नहीं इनको। सूर्योदय के पूर्व उस व्यक्ति का निधन हो गया। गंडकी ने कहा, मैं सती हूं, सती धर्म के ऊपर मैं अधिक नहीं बोल पाऊंगा समयाभाव से, लेकिन आज सती की चर्चा करके लोग न जाने क्या क्या मनमानी बात बोलते हैं। किसी को जबरन सती करना, किसी को सती करने की एक झूठी रिवाज के पीछे जबरदस्ती प्रज्वलित अग्नि में झोंक देना, ये अधर्म है, ये पाप, ये कुकर्म है। लेकिन यदि कोई नारी वास्तविक पतिव्रता है, मन वाणी शरीर से, न केवल शरीर से मन से सच्ची सती है, पतिव्रता है, और वो यदि सती होना चाहेगी तो न समाज रोक पाएगा, न सरकार रोक पाएगी, न कोई शक्ति रोक पाएगी, और वो सती निश्चित हो जाएगी। और हुई, लेकिन जहां ढोंग है, जहां दिखावा है, जहां जबरन किसी को अग्नि में झोंकने की तैयारी है, वहां वो सब वहां सच्चाई नहीं, वहां सब बनावट है, वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो गंडकी सती होने के लिए चली है, वहां के लोगों ने रोका है। गंडकी ने कहा, आप लोग सहयोग नहीं कर सकते हो तो असहयोग मत करो, मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही हूं। वो चिता पर बैठी है मृतक, उस व्यक्ति के गोद में लेकर के, और जब अग्नि का संचार काष्ठ में किया है तो काष्ठ की जब ज्वालाएं निकली हैं तो उसको पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि सच्ची थी। उसने सोचा, अब मैं तुरंत शरीर छोड़ रही हूं, लेकिन तब तक देखा एक क्षण में सारी ज्वाला समाप्त हो गई। फिर मृतक पति के देह को देखा गंडकी ने, देखा वो तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बड़े स्नेह से देख रहे हैं। उसने कहा, पतिदेव, मेरे तो पतिदेव हैं, लेकिन आप एक दिन पहले कहां से आए थे, मैं आपका पहले का परिचय नहीं जानती, अपना सच्चा परिचय दीजिए, आप कौन हैं, मुझे जानकारी नहीं आपके विषय की। उसी समय जब गंडकी ने विनती की है, गोद में पड़ा हुआ व्यक्ति जो लेटा था, जो पहले मर चुका था, जीवित हो चुका, वो तुरंत अंतर्धान हो गया, अंतर्धान। और तुरंत ही गंडकी ने देखा चिता के सम्मुख भगवान श्रीमन नारायण वनमाला विभूषित चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले, गंडकी, मैं इस रूप में आया था। गंडकी, तू वर्मा, मैं तेरी साधना से, तेरी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूं। गंडकी ने कहा, प्रभु, आप मेरी गोद में आकर के आज लेटे, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा। अब आप कहते हैं कि वर मैं मांगू, तो मैं मांग रही हूं महाराज, आप मेरी गोद में लेटे, मैं एक अबला हूं, साधारण स्त्री, वेश्या हूं महाराज, मुझ वेश्या की गोद में नारायण लेते, बस मेरी यही इच्छा है कि मेरी गोद में सदा ही लेते रहो, मेरी गोद में सदा ही लेते रहो। भगवान ने कहा, गंडकी, बड़ा कठिन वर मांगा तूने, सदा मैं तेरी गोद में कैसे लेटूं। बोली प्रभु, आपने मांगने को कहा था तो मैंने मांग लिया, अब आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। बोले, मैंने वचन दिया है तो अब जरूर प्रदान करूंगा। गंडकी, अब तू जाकर के एक नदी बनेगी और वृंदा के श्राप के अनुसार मैं शालग्राम बनूंगा, मैं शालग्राम बन करके अनंत रूप धारण करके हे गंडकी तेरी गोद में सदा लेटा रहूंगा। भक्तों, जब वो नारायण जो शालग्राम बनते हैं, वही नारायण शालग्राम, वही नारायण, वो जब गंडकी वेश्या की गोद में खुश होकर लेटते हैं तो हमारी माताएं यदि शालग्राम का पूजन करें तो कौन सा पाप करती है।
वो वेश्या की गोद में आनंद से लेटते हैं तो माताएं उनका पूजन करती हैं तो कौन सा पाप करती हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि उनके मन में ये भाव हो कि ये ठाकुर जी मेरे पुत्र हैं, तुम्हें किसी भी अवस्था में पूजन कर सकती है। लेकिन यदि ये भाव नहीं है तो अपवित्र अवस्था में पूजन नहीं करें और सदा पूजन कर सकती। ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। कितना ही तुम शुद्धि के लिए कर्मकांड करोगे, शुद्ध नहीं हो पाओगे। प्रेम से भगवान का भजन करो, अधिकारों की लड़ाई मत करो, कर्तव्य प्रेम से करो, ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। श्री भरत जी महाराज वहीं तप करने के लिए गए हैं और वहीं पुराश्रम में गंडकी के किनारे वे एक दिन जलांजलि सूर्य को दे रहे थे। एक मृगी सिंह की दहाड़ सुन करके छलांग लगाई है और उसका गर्भस्थ शिशु गिर गया। भरत जी ने देखा मृगी का अंत हो गया, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, लेकर के कुटिया में गए। कुटिया में ले जाकर के उसका पालन पोषण किया। महात्मा भरत को आसक्ति हो गई मृग से, कैसे? जैसे आपको कुत्तों से हो गई। गाय पालना तो अब बहुत दूर की बात हो गई, अब कुत्ते चराने के लिए बड़े बाबूजी भी चलते हैं शाम को। गाय तो सुबह लोग चराने के लिए जाया करते थे, लेकिन कुत्ते के गले में सांकर लगा करके और कुत्ते को चराने के लिए शाम को चलते हैं। संध्या वंदन तो करना नहीं है सायंकाल में, कुत्ता जरूर चराना है। घर भर का मुंह चाटता है वो, किसी को छोड़ता नहीं है। और उससे आसक्ति जब जोड़ोगे, जितनी आसक्ति बढ़ाओगे उतना ही उसका स्मरण होगा और अंतयामती साई हो गति, खरीदना नहीं पड़ेगा कुत्ता। बाबूजी मर के घर में कुत्ता ही बन के आएंगे, पुण्य ज्यादा था इसलिए कार में घूमने को मिल जाएगा, खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा, बटर और ब्रेड मिलेगी। लेकिन कुत्ते का पुण्य होने के कारण कार में घूम रहा है, इन तो है तो कुत्ता है। कुत्ते के प्रति आसक्ति करोगे तो कुत्ता बनोगे। श्री भरत जी महाराज ने आसक्ति कर ली मृग के बच्चे से। आसक्ति किसी से नहीं करो, आसक्ति का सीधा अर्थ समझो भक्ति प्रेम। भगवान से आसक्ति हो जाए तो वही भक्ति है। गीता जी के सप्तम अध्याय का प्रथम श्लोक, मैया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मैया सक्त, हे अर्जुन मुझ में आसक्त हो जाए, यही भक्ति है। मुझ में आसक्त हो जाए भक्ति है, और दुनिया में आसक्त हो गया तो यही मोह। अन्य में आसक्ति नहीं करो, जिसके प्रति मोह होगा, प्रेम होगा, आसक्ति होगी, उसी की तरफ हमारी गति होगी। इसलिए श्रेष्ठ के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, भक्त के प्रति, भगवान के प्रति, इसी में कल्याण। भाई धीरे धीरे मृगाशक्ति बढ़ती चली गई भरत जी की। वो मृग का बच्चा तरुण हो गया, वो मृगियों के पीछे जंगल में दौड़ने लगा। महाराज भरत ने धीरे धीरे माला हवन पूजन पाठ सब छोड़ दिया, क्योंकि मृग का बच्चा पीछे से आके खुजलाने लगे नन्नी नन्नी अंगुल अंगुल बरसीन से। तो भरत जी महाराज माला इधर फेंक, अच्छा बहुत प्यार करता है मुझको, चल माला कल जप लूंगा, आज तो तुझे ही प्यार कर लेता। गोद में लेकर के थपथपी देने लगे, और कल कौन माला जपे, अब छूट गई तो छूट गई। भजन में तो बहुत सावधानी से लगे रहोगे तो भजन होगा, और शिथिल पड़े तो भजन गया। अब तो उनका यही भजन रह गया, मृग का बच्चा मेरा, मृग का बच्चा। मृग के ही बच्चा ही उनका देवता हो गया, उसी का ध्यान, उसी का पूजन, उसी का सुमिरन, उसी के सब कुछ करना, उसी की सेवा करना। श्री भरत जी महाराज ने देखा मेरा मृग का बच्चा कहीं चला गया। भक्तों हम कितने ही असावधान हो, यमराज तो असावधान होने वाले नहीं, उनका तो कैलकुलेटर चालू, एक एक सेकंड गिन रहे हैं कितना समय बीत गया इसका,
समय आते ही तुरंत पकड़ करके गृहीतु केशेषु प्राणिनाम धर्मम आचरे। मृत्यु ने हमारे केश को पकड़ा है, ऐसा समझ करके धर्म का आचरण करो। और जब भरत को लगा कि अरे मृत्यु आई, तो गृहस्थ व्यक्ति जो परिवार में आसक्त होता है वो क्या सोचता है, हाय अरे अब तो मैं गया, अरे अब तो मैं मरा, अरे अब मेरे बच्चे कहां जाएंगे। अरे पापी, बच्चे तो तेरे यही घर में बंगले में रहेंगे, अब तू मर के कहां जाएगा, अपने लिए ख्याल कर। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, वो तो आनंद लेंगे, लेकिन ये मोह में पड़ा हुआ प्राणी अपनी गति का ख्याल नहीं करता कि मेरी क्या दुर्गति होने वाली है, बच्चे कहां जाएंगे चिंता करता। ऐसे ही भरत की ने सोचा, अरे मेरा मृग का बच्चा अब कहां जाएगा मेरे बिना। तब तक वो दौड़ा और जहां हाथ फैलाया, अरे आजा आजा मैं अब मरने वाला, बस उसी समय हाथ फैला और नीचे हाथ गिर गया और श्री भरत जी महाराज का देहांत हो गया। मृगाशक्ति में पड़े हुए भरत जी को मुर्गी के पेट में जाना पड़ा है। इन पवित्र माताओं के आंचल के दूध को पीने के बाद कुतिया और सुअरी के पेट में जाना चाहोगे क्या? सुअरी का दूध फिर पियोगे क्या? सुअरी कुतिया और गदही का दूध नहीं पीना है, तो रात दिन भगवान का भजन करो, आसक्ति कहीं नहीं जोड़ो, प्रेम से ठाकुर जी को ही सेवा करो, उन्हीं को स्मरण करो, मन को माधव के चरणों में लगाओ, संतों की संगति करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, सच्ची दो टूक बात है, मानो चाहे मत मानो। कल्याण इसी में है कि अब से सावधान होकर नारायण के चरणों में अपने को तन को मन को लगाओ। श्री भरत जी जाकर मृगी के पेट में पहुंचे, मृग के रूप में जन्म हुआ है और पूर्व जन्म की स्मरण है, इसलिए फिर वहीं गए कुलहाश्रम, सूखे तिनका खाते, पानी बहुत प्यास लगे तो जरा सा चाट लेते और शरीर छोड़ा। फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बेचारे काल कवलित तो हो गए इसी शोक में कि बेटा मूर्ख रह गया, माता भी चली गई, भाइयों की शादी हुई उनकी शादी नहीं हुई, घर में भाभियां आई, भाभियों ने खूब तिरस्कार किया देवर जी का, जो सड़ा गड़ा जला भुना गला बिल्कुल बेकार न खाने योग्य, सो देवर जी के लिए उस टूटी बाल्टी में डालते जाओ। और देवर जी भी ऐसे महामना कि उनको देखना नहीं कि भोजन में है क्या क्या, उसी में दाल, उसी में साग, उसी में कुछ भी पड़ा हुआ है, उसी में कड़ी भी है, उसी में रायता है, 5 दिन की बदबूदार दाल के झाग निकल रहे हैं, रोटी के टुकड़े भी सड़ रहे हैं और वो छान छान कर खा रहे हैं और बाल्टी उठा के एक सांस में पी लेते हैं। उनको शरीर के स्वाद भोजन का स्वाद करने लेने के लिए भोजन नहीं करना, शरीर की रक्षा के लिए भोजन वस्त्र। महाराज ये जड़ भरत जी को गांव के लोग बहुत सेवा इनसे लेते थे। श्री जड़ भरत जी को खेत की रखवाली के लिए भेजा गया, तो खेत की रखवाली क्या करना, उनको तो भगवान का भजन करना है। और कहीं एक मूर्ख डाकुओं का सरदार पुत्रहीन होने के कारण किसी मनुष्य की बलि चढ़ा करके पुत्र की आकांक्षा से ये दुष्कर्म करना चाहता था, उसने जड़ भरत को पकड़कर मंगवा लिया। और जब उनको नहलाया धुलाया गया, उनको लाल लाल कपड़े पहनाए गए कि अब बलि चढ़ाई जाए भद्रकाली के सम्मुख, भद्रकाली कहां उठी, इस संत को मेरे सम्मुख ला करके पापी मारना चाहते हैं, मैं देवताओं के बीच में भगवान के सम्मुख मुंह कैसे दिखाऊंगी, मुझ काली का नाम लेकर के पापी दुरात्मा संत की हत्या करना चाहते हैं। काली का हृदय कांप उठा, जब तलवार उठाई है
डाकुओं ने तो काली ने कड़क करके जोरों से प्रकट हुई और लपक करके तलवार छीन करके डाकुओं की गर्दन पर मार मार कर सात डाकुओं की गर्दन काट डाली और उनके सिरों को उछाल करके काली ने सबका सबको समाप्त कर दिया। माता काली ने सब डाकुओं का सफाया किया और जड़ भरत की रक्षा की। हे महात्मन, जब से मंदिर की स्थापना हुई है आज प्रथम बार एक संत यहां आए। महाराज आप जहां इच्छा हो जाएगी। श्री जड़ भरत जी चले हैं, रास्ते में रहुगण भगवान कपिल के सत्संग के लिए जा रहा था, उसकी पालकी का एक कहार चला गया बीमार होकर, जड़ भरत को पकड़ा गया। पालकी ढो, पालकी कभी तो ढोई नहीं, चलने लगे तो आगे चींटी की कतार, चींटा की कतार आई। महात्मा दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। बहुत सावधानी के साथ आचरण संत का होता है। उन्होंने सोचा देख अरे ये तो चींटी चींटा निकल रहे हैं, कहीं पांव न पड़ जाए, तो जोरों से छलांग लगाई। तो अंदर जो पालकी में राजा रहुगण बैठा था मुंह के बल औंधे गिरा। उसने कहा एक कहारो पालकी ढोने नहीं आती है। कहार घबराई, ये नया कहार आया, ये गड़बड़ कर रहा है, मार हम सबके ऊपर इसके कारण पड़ जाएगा। उन्होंने कहा महाराज हमारी गलती नहीं, ये नया कहार आया यही गड़बड़ कर रहा है। ठीक से चल रहे, पालकी नहीं ढोया कभी क्या? जड़ भरत कुछ नहीं बोले। आगे चलने पर फिर कुछ चींटियां निकली तो जड़ भरत ने और जोर की छलांग लगाई और अब आगे जब राजा पालकी में गिरा तो उसने जोरों से चिल्ला के कहा अभी तेरा इलाज करता हूं। जड़ भरत ने सोचा एक इलाज करने के लिए वहां वो डाकुओं का सरदार भी था काली के मंदिर में, तो काली प्रकट होके उसको ही मार डाला और आज कहीं ये रहुगण डंडा मेरे ऊपर चलाया तो यहां कोई देवी नहीं तो कोई देवता आ जाएगा इसको मार डालेगा, इसलिए बोल देना ठीक है। जड़ भरत ने कहा तू किसको मोटा कर रहा, कौन किसको ढो रहा है, कौन किसके द्वारा ढोया जाता है, ज्ञानी की बात करता और है पूर्ण अज्ञानी, राजा कौन है, कहार कौन है, ऐसी ऐसी बातें की कि रहुगण ने समझ लिया ये कोई कहार नहीं बोल सकता है, हिम्मत ही नहीं कहार की इस तरह बोलने की। रहुगण पालकी से कूदा और उसने जड़ भरत के चरणों में प्रणाम करके कहा हे महात्मा मैंने आपको पहचाना नहीं, महाराज मेरी गलती हुई है, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करिए, आप कौन है? बोले मूर्ख तो किसका नाम पूछता है, आत्मा का नाम नहीं होता है, शरीर का नाम कल्पित होता है, नाम किसका बताए? महाराज मैंने कहा मैंने साधना बहुत की है, क्या उससे मेरा उद्धार नहीं होगा? क्या साधना की? तपश्चर्या की, जल की, अग्नि की साधना की, वेद के मंत्र किया मैंने पाठ, हवन किया, यज्ञ किया। रहुगण की बात सुन करके जड़ भरत हंसने लगे, बोले ये सब काम अच्छे हैं, ये सभी सुंदर हैं, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं मिलती, इनसे भक्ति नहीं मिलती, इनसे प्रभु प्रेम नहीं मिलता है, तो महाराज किससे मिलता है? बोले रहुगण तप तपसा न याति न चेतया निर्वपण गृहाद्वार न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजो विषेकम्। जब तक संतों की चरणों की धूलि में नहीं लोटेगा पापी तेरा अहंकार नहीं गलेगा और तू सच्ची साधना के फल को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जड़ भरत ने सत्संग की महिमा समझाई है, रहुगण को विवेक उदय हुआ है और फिर उसने पूछा महाराज कृपा करके बतलाइए आप कौन है? बोले मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, फिर मृग का बच्चा बना, फिर मैं अब जड़ भरत हूं। उसने कहा महाराज कृपा करके बताइए मैं कौन था पूर्व जन्म में? तब जड़ भरत याद करके हंसने लगे, अरे पगले तू तो वही मृग का बच्चा था जो मेरे कंधे पर बैठकर घूमा करता था जंगल में। उसने कहा महाराज जब पूर्व जन्म का ही संबंध है तो कृपा करिए महाराज मेरा उद्धार करिए।
पूर्ण कृपा की है जड़ भरत। आगे कहते हैं भवाटवी का वर्णन करते हैं, संसार एक भव की अटवी है, ये ऐसी ये जंगल की दहकती हुई अग्नि है जिसमें जीव भटक भटक करके जल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या राग द्वेष मत्सर, इनसे निकल करके भगवान का जो भजन करे पापों से बचे वही सावधान है। बोले मैं पाप यदि करता है तो परीक्षित को समझाते हैं सुखदेव जी, बेटा सारी दुनिया में अनंत ब्रह्मांड ईश्वर के बनाए हुए बनते बिगड़ते रहते हैं, ये भूगोल और खगोल कहाँ तक बताया जाए बेटा, ये सब ठाकुर जी की लीला है, भू विलास है। अनंत द्वीप अनंत सागर, कभी सप्तद्वीप हैं कभी सप्त सागर हैं, कभी अनंत ब्रह्मांड हैं, भगवान बनाते बिगाड़ते रहते हैं, कभी अलग अलग रूप धारण करते हैं, उसका कोई विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता है। पाप का दंड नरक मिलता है, पापों का प्रायश्चित करता है तो नरक से बचता है, लेकिन पाप की वासना रह जाती है। बोले महाराज पाप का अंत ही हो जाए, पाप की वासना ही नहीं रहे, इसके लिए क्या है करना चाहिए? बोले इसके लिए है हरिनाम, हरिनाम से ही पाप की वासना खत्म होती है। महाराज हरिनाम कितना जप करे तो जीव का उद्धार होता है? बोले अंत में जी हरिनाम बोले तो तुरंत उद्धार होता है। महाराज किसी का हुआ? बोले बहुतों का हुआ है। चलो एक सुना देता हूं, पंचम स्कंद पूर्ण होता है, छठा स्कंद प्रारंभ होता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम किसका किसका उद्धार कर देता है भक्तों? जितना नीच से नीच कोई कल्पना की जा सकती है उन सबका उद्धार करता है। ठाकुर जी तो कह देते तुम्हारी कल्पना जहां तक जा सकती है, अपिचे दुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो इस क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। दुनिया में दुरात्माओं पापात्माओं का शिरोमणि हो वो भी हरिनाम के द्वारा उद्धार उसका हो जाता है। अरे जीवंती नाम की एक वेश्या थी, जीवंती वेश्या जीवन भर पाप की थी, पुण्य कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब रूप यौवन सब खत्म होने लगा, अब ग्राहक भी नहीं आने लगे, नौकर चाकर दास दासी सब चले गए, बहुत अधिक उसका नाम था किसी जमाने में, धनवान लोग जाकर के उसके पास पहुंचते थे, अब तो कोई नहीं आता, समय कैसे कटे? जीवन की वेश्या समय काटने के लिए कोई खिलवाड़ कोई खिलौना खोजने लगी। उसने देखा नीचे गली में से कोई जा रहा है, कह रहा है तोता ले लो मैना ले लो तोता ले लो। वो गई, उसने कहा ए तोता मैना वाले ऊपर आ जाओ। ऊपर आया कि तोता और मैना जो तुम बेच रहे हो इनमें से अच्छा सा एक तोता दे दो हमको, बढ़िया तोता जो कुछ बोले ले लो। एक पिंजरा दिया, वो पिंजरे में जो तोता था उसको जब जीवंती वेश्या ने खरीदा पिंजरा सहित, पिंजरे को धीरे से ऐसे छुआ देखने के लिए कुछ बोलता है कि नहीं, तो वो तोता बोला भाई जी राम राम, भाई जी राम राम। अब उस वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ, जीवंती को, अरे ये तो बड़ा मीठा बोलता है। तो उसने बड़े स्नेह से कहा मिठू जी राम राम, मिठू जी राम राम। अब उसको एक खिलवाड़ मिल गया, अब घर में तो कोई आने वाला था नहीं, अब ये बैठती है तो भाई जी राम राम तोता बोलता और ये मिठू जी राम राम तोते के साथ बोलती। घंटों ये खेल चलता उसका,
वो ये नहीं सोचती कि मैं भजन कर रही हूं, अनजान में भजन हो रहा है। एक महात्मा जी उसी रास्ते जाते थे, वो सुनते थे कोई एक चिड़िया बोलती है, एक स्त्री बोलती है, राम राम गाते हैं, चल के देखूं कौन है। तो पड़ोसियों ने कहा, हे महाराज जी, ये वेश्या का कोठा कहां ऊपर जा रहा है? महाराज, आपके जाने लायक जगह नहीं। बोले, अच्छा भैया, नहीं जाएंगे। लेकिन सुन लेते थे नीचे से खड़े हो। एक दिन आवाज नहीं सुनाई पड़ी, दूसरे दिन भी नहीं सुनाई पड़ी, तीसरे दिन वो पूछ बैठे, भाई यहाँ जो ऊपर वेश्या राम राम गाती थी तोता के साथ, वो कहीं चली गई क्या? अरे महाराज, पापों का फल भोग रही है, बीमार पड़ी है, अधमरी हो गई है, अब प्राण निकलने वाले हैं। संत ने कहा, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अरे क्या करोगे महाराज उस पापनी के पास जाकर? बोले, वो कैसे भी हो मैं जाऊंगा। जब महाराज जी गए तो देखा तीन दिन से शैया पर पड़ी हुई, प्राण कंठगत है उसके, थोड़ा सा जल का छींटा दिया, आंख खुली उसकी, उसने देखा संत आए। संत को देख करके जीवंती वेश्या ने पड़े पड़े ही हाथ जोड़ा, महाराज मैं किसी सेवा लायक अब नहीं, न तन है न धन है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? महाराज, यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरा प्यारा तोता पिंजरे में मर रहा है, तीन दिन से उसको पानी भोजन कुछ नहीं मिला, थोड़ा कुछ खिला पिला दो। महाराज, मेरे तो प्राण निकलने वाले। साधु उस पिंजरे को उठा के लाए, जीवंती की शैया पर रखे और उसको तोते को जल पिलाया, कुछ दाने खिलाए, तोते की आंख खुली। आंख खुलते ही उसने जीवंती वेश्या को देखा, रोजाना के अभ्यास बस पानी पीने के बाद जब ताकत थोड़ी आई तो तोता बोल पड़ा, भाई जी राम राम, भाई जी राम राम। तब तक वो जीवंती की आंख बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खुली, उसने तोता को देखकर फिर आंख बंद किया और आंख बंद किए किए बोली, मिठू जी राम राम, मिठू जी राम राम। बस दोनों राम राम बोलते ही एक साथ शरीर छोड़े और दोनों भगवत धाम को प्राप्त किए। ये श्री भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। भक्तों, जीवंती वेश्या को हरिनाम तार देता है, ऐसे श्री अजामिल जी महाराज भगवान के नारायण नाम से तर गए। यद्यपि पूर्व जन्म में भी तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन श्राप ग्रस्त थे। श्राप की बात तो बाद में मैं शायद सुना दूंगा, अभी संक्षेप में कथा सुना रहा हूं। इन्होंने एक वेश्या का संग कर लिया था। वेश्या के संग के कारण इनकी बुद्धि बिगड़ गई थी। बस पत्नी को, विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, वेश्या के साथ रहने लगे। बहुत बच्चे हुए, कन्नौज में रहते थे। संतों की जमात गंगा किनारे किनारे जा रही थी, कुछ लोग उद्दंड बच्चों के बहकावे में आकर के संत लोग अजामिल को भक्त समझकर उसके घर जाकर रुक गए। वेश्या ने उनको रोक लिया, अजामिल आया, रात भर कीर्तन सुना, कथा सुना। वैसे तो बहुत जीव जंतु मार करके ले आया था, चिड़िया गीदड़ खरगोश आदि, लेकिन वेश्या के कहने पर सब फेंक दिया। रात भर कीर्तन कथा सुना तो थोड़ी बुद्धि बदली, सुधरी। सुबह वो रोने लगा, महाराज में कोई भक्त नहीं, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले, बेटा तेरे पत्नी के पेट में बच्चा, उसका नाम नारायण में रख देता हूं, उससे बहुत प्रेम करना। भक्तों, बस वो अजामिल जो नारायण नाम के बच्चे से बहुत प्यार करने लगा, बहुत प्रेम करने लगा। नारायण, बेटा पानी लाओ, नारायण धोती लाओ, नारायण स्नान करना, नारायण गैया को चारा डाला कि नहीं, नारायण नारायण दिन भर रटे। सैव वर्तमान अज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायण हवे। अनजान में
जानबूझकर भगवान का नाम नहीं लिया। यमराज के दूत दिखलाई पड़े, चीख पड़ा यामिल, अरे बेटा नारायण। बेटे का नाम तो नारायण थोड़े दिन से था, जिनका नाम नारायण सदा से है उन नारायण के पार्षद दौड़ के आए, मेरे स्वामी के नाम की लाज रखनी है, तुम्हारा कोई स्वामी भक्त सेवक हो तो तुम्हारे भी नाम की लाज हो रखे। अरे नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तुम बता दो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आते हैं फला नाम के, तो बड़े बड़े अधिकारी तुमसे बात करेंगे तो थोड़ा डर के करेंगे। नाम से काम हो गया, ऐसे ही नारायण के नाम से कितना बड़ा काम हो गया कि भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने कह दिया यमराज के दूतों को भाग जाओ यहां से, नहीं तो कचूमर तोड़ डालना, खोपड़ी फोड़ दो। भागे सब, इधर जब वो भाग गए वो सब के सब जा रहे हैं यमराज के पास, और अजामिल जागृत हो गए। उन्होंने वो संवाद नारायण नाम का सुन लिया था, जो विष्णु दूतों ने कहा था नारायण नाम लिया इसलिए अब पापी नहीं रहा है। वो शैया से उतर के चला, पत्नी ने वेश्या ने कहा चले, बोला नारायण नारायण, अरे बीमार थे बुखार था बोलते नहीं हो, क्या बात है, नारायण नारायण। कुछ उत्तर नहीं दिया, गया उत्तराखंड में भजन करके भगवत धाम पाया। एक नारायण नाम ने कल्याण कर दिया अजामिल जैसे घोर पापी का, जीवंती जैसी वेश्या का। भक्तों हम लोग अधिक पुण्यात्मा नहीं तो इतना तो पुण्य है ही कि ठाकुर की कथा सुन रहे हैं। भक्ति से भाव से विनती करो, हे प्रभु हमारी दीन दशा को देखो नाथ, हे दीन बंधु, और कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी करुणा की कृपा की वृष्टि करो कि हमें तुम्हारे चरणों का प्रेम मिले। महाराज अजामिल को तुमने अपने नाम से तार दिया, जीवंती का उद्धार किया। हृदय की बात तो यही है महाराज कि मेरे भी हृदय में कोई भक्ति नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई साधना नहीं है, लेकिन हे नाथ तुम्हारे नाम की लाज तुम ही रखो, तुम्हारा नाम जैसे तैसे जो बनता है गाता हूँ, भेद भाव से प्रेम से प्रभु को पुकारो। Yeah.
से प्रभु से प्रार्थना करोगे वे जरूर आपकी सुनेंगे, लेकिन आचरण में सावधान रहने की आवश्यकता है भक्तों। एक संत ऋषिकेश के अत्यंत शीतल जल में मूर्छित हो गए थे। उनको उनके गुरु भाई ने देखा बेहोश हैं, तो उन्होंने अपनी युवती बेटी को कहा, बेटी ये महात्मा बहुत ठंडे पड़ गए हैं शरीर से, यदि इस समय इनको अग्नि मिले तो इनका कल्याण होगा, उष्णता हो जाएगी शरीर में। अग्नि तो है नहीं, तुम्हारा शरीर एक युवती का शरीर है, तुम अपने शरीर से इनको लिपटा करके कंबल के अंदर लेटो, धीरे धीरे शीत का निवारण हो जाएगा। युवती कन्या ने पिता की बात मानी और उसने वैसा ही किया, किंतु साधु जब होश में आया और उसने देखा कि ये लड़की मुझसे लिपट करके लेटी पड़ी है, तो साधु को क्रोध आ गया। साधु ने कहा, हे लड़की, तूने मेरे शरीर के साथ ये अपवित्र आचरण किया है, ये आचरण तेरा वेश्या का है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जाकर वेश्या। उस लड़की ने कहा, बाबा जी तुमने मुझको ऐसा श्राप दिया है तो मैं श्राप देती हूं, तुम वेश्यागामी बनो। वही कन्या बाद में अगले जन्म में आकर कन्नौज में वेश्या बनती है, और वो महात्मा जी जो थे वही अजामिल बनते, लेकिन राम के नाम ने, नारायण नाम ने उनका कल्याण किया है। वे तो भगवत धाम को जाते हैं तपस्या करके, राम नाम कीर्तन और नारायण नाम कीर्तन के द्वारा। इधर जो यमराज के दूत थे उनका क्या हुआ, वे सब भागे हुए पहुंचे यमराज के पास और उन्होंने अपने दंड पास सब पटक दिए, चरणों में बोले, महाराज हमारा इस्तीफा मंजूर करो, हम नहीं सेवा कर पाएंगे। बोले क्या हुआ, बोले महाराज पापियों को लाने के लिए हमको आज्ञा है, लेकिन हम एक पापी अजामिल को लेने के लिए गए थे तो महाराज ऐसी मार पड़ी कि अब तक पीठ सीधी नहीं हो पाई। उसने कोई पुण्य कर लिया क्या? अरे कुछ नहीं पुण्य किया महाराज, कोई बोला था मंत्र पाठ किया नहीं, महाराज अपने बेटे नारायण को पुकारा था बस। ये सुनते ही धर्मराज ने हाथ जोड़ करके सिर झुका करके कहा, हे नारायण मेरे इन नासमझ सेवकों से भूल हुई है प्रभु, आपके नाम को बोलने वाले अजामिल को ये पापी समझ रहे हैं, महाराज इनसे जो भूल हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। दूत तो हैरान होकर देखने लगे, स्वामी क्या आपसे भी बड़ा कोई है, नारायण क्या आपसे बड़े हैं? हाँ हमसे बहुत बड़े हैं। आप कौन है? बोले मैं उनका छोटा सा सेवक। तो महाराज अब कृपा करके ये बता दो कि किसको आपके यहां ले आऊं नरक की यंत्रणा देने के लिए और किसको नहीं लाऊं। बोले बेटा ऐसे जबानी बताऊंगा तुम लोगों को तो भूल पड़ जाएगी, अपनी अपनी नोटबुक और पेन लेकर के आओ और ठीक से नोट करो किसको यहां ले आना और किसको नहीं ले आना है। बोले अच्छा महाराज हम जा रहे हैं नोटबुक और पेन लाने के लिए, अब आप लोग भी नोटबुक और पेन लेकर के कल आना, तब आपको आगे की बात नोट करा दी जाएगी। आज की कथा को यही विराम दिया जा रहा है, हरिनाम बोलेंगे और उसके पश्चात आरती हो। जिस जीव के ऊपर पड़ जाती है उसी के अंदर गोपीवत भाव उत्पन्न होने लग जाता है, उसका हृदय एक गोपी का हृदय बनने लग जाता है। गोपी का हृदय अर्थात कृष्ण प्रेम की पिपासा का हृदय, कृष्ण प्रेम की पिपासा जिसके हृदय में जागृत हो गई वही गोपी है। वो देखने में पुरुष हो चाहे वो देखने में स्त्री हो, और गोपी भाव की पराकाष्ठा ही श्री राधा जी। श्री राधा कृष्ण प्रेम में लय की स्थिति में पहुंचती हैं तो अपने को कृष्ण ही समझने लग जाती है। श्याम श्याम रटती राधा,
श्याम श्याम रटत राधा, राधा श्याम भई। श्याम का नाम रटते रटते राधा की क्या दशा होती है, एक रसिक ने देखा। श्याम श्याम रटत राधा, राधा श्याम भई। खोजत डोलती बोलती राधा, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई, राधा कहाँ गई। श्री राधा स्वयं श्री राधा को खोज रही, क्योंकि खुद ही श्याम भई। श्री राधा गोपियों के अधीश्वरी हैं, निकुंजेश्वरी हैं, श्याम की प्राणेश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी हैं, अखिल प्रेम की एकमात्र स्वामिनी हैं। उनकी कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाए, अगणित जन्मों के पाप एक क्षण में दग्ध हो जाए और एक ही क्षण में वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाए। जीवन में भगवान का प्रिय हम बन जाएं तो और किसी के प्रिय बने चाहे न बने कोई महत्व की बात नहीं। अन्य के प्रेम पात्र बनने का क्या तात्पर्य जब गोपाल के नहीं बने। बने तो रघुवर से बने, राम जी से ही बने तब तो बनना सार्थक। कई बिगड़े भरपूर, बने तो रघुवर से बने, कई बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, ताप बनिबे में धूर। राम जी से ही प्रेम हो, राम श्याम एक ही हैं। और या तो कहते हैं कि बिगड़े भी लड़ाई झगड़ा नोक झोंक भी हो तो उन्हीं से हो, दूसरे से न हो। जो कुछ कहना उलाना देना झगड़ना लड़ना रूठना मानना मनाना जो भी हो, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, तस्मिन्नेव करणीयम। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, वो कहते हैं विरागी और ज्ञानी लोग मोह जिन दुर्गुणों का मूल है, उस काम क्रोध अभिमानी काम क्रोध अभिमान आदि को त्यागने की बात करते हैं, लेकिन भक्ति के आचार्य नारद जी कहते नहीं नहीं नहीं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम क्रोध अभिमान कभी मत त्यागो। बोले महाराज उद्धार कैसे होगा, बोले इनको त्यागो नहीं फिर क्या करें, बोले काम क्रोधाभिमान आदिकम तस्मिन्नेव करणीयम। काम क्रोध अभिमान आदि जो कुछ है, रूठना गुस्सा होना, वो सब भगवान से करो, उन्हीं को डांटो, उन्हीं को मनाओ, उन्हीं से प्रेम करो, उन्हीं से झगड़ा करो, जो भी कहना है जो भी करना है उन्हीं के लिए करो, सब भक्ति हो जाएगी, वो सब भक्ति हो जाएगी। और भगवान के बिना जो भी करते हैं वो सब भक्तिहीन आचरण आता है। कल शाम की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे, धर्मराज के दूत पूछ रहे हैं, धर्मदेव हम किन किन जीवों को आपके पास लाएं और किन को न लाएं। बोले नोटबुक लाए हो लिखाने के लिए, हमने कहा था। हाँ महाराज, बोलिए। बोले दो कालम बनाओ, एक तरफ लिख लो जिनको लाना है, दूसरी तरफ लिख लो जिनको नहीं लाना है। हाँ महाराज बताइए। बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि, तानान यद्भुमसतो कृत विष्णु कृत्यम्। बोले किनको मेरे यहाँ नहीं लाना पहले वो लिखो। हाँ महाराज बोलिए किनको आपके यहाँ नहीं लाना है।
जिह्वा भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। जिसकी जिह्वा ठाकुर जी के नाम को गाती है, ठाकुर जी का गुण गाती है। गाने का मतलब आपको संगीत नहीं है ज्ञान संगीत का, तो आप प्रेम से गाओ, भाव से गाओ। संगीत नहीं आता है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसके साथ ही आप गाओ। अरे ठाकुर जी तो साफ कह देते हैं, संगीत का तो नाम ही नहीं लेते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, मत संगीत क्या है यत्र गायन्ति। संगीत की अवहेलना नहीं है, संगीत ठाकुर जी के भजन में सहयोगी है। लेकिन जब ठाकुर जी के भजन में सहयोगी न हो करके वो केवल मनोरंजन का साधन बन जाए और नशा आदि को बढ़ाने का साधन बन जाए, कुसंग को बढ़ाने का साधन बन जाए, तो संगीत विद्या देवी सरस्वती से संबंधित होने पर भी भगवत आराधन में सहयोग न उसका मिलने के कारण उपयोगी नहीं। और यदि वो भगवान के भजन में सहयोगी है तो वो साधना है। बोले जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्। जिसकी जीवा भगवान के गुण नाम को गाती है, कहती है, जपती है, रटती है, उसको मेरे यहाँ बेटा कभी लाने की हिम्मत नहीं करना। नहीं तो धर्मराज कहते हैं, हे मेरे दूतों, जैसे आज तुम्हारी कुटाई हुई है ऐसे तुम हमेशा मारे जाओगे। महाराज और किसको आपके यहाँ नहीं लाऊंगा। बोले चेतश्च स्मरति तच्चरण अरविंदम। जिसका चित्त भगवान श्याम सुंदर के कोमल कोमल लाल लाल सुंदर सुंदर अरुण अरुण भव्य भव्य दिव्य दिव्य सुंदर चार चरणों का चिंतन करता हो, जिसका चित्त ठाकुर जी के चरणारविंद का चिंतन करता हो, उसको यहाँ मेरे पास लाने की भूल मत करना। क्यों महाराज। बोले वो ठाकुर जी के धाम में जाएगा, वो गलती भी कुछ किया होगा तो उसको शुद्ध भगवान करेंगे, हम नहीं करेंगे। पापियों को शुद्ध करने के हमारे पास यंत्र हैं, कुंभी पार्क पाक नर्क, अशिपत्र वन नर्क, लाला भक्त नर्क, रौरव महारौरव, ये जो नर्क हैं ये पापियों को शुद्ध करने के लिए मेरे पास हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करने वाला उससे कोई पाप बना होगा तो भगवान ही उसको शुद्ध करेंगे, मेरे पास उसको नहीं लाना। और महाराज किसको आपके पास नहीं लाना। बोले कृष्णाय नमति यच्छिर एकदा पे। जो भगवान को प्रेम से नमन कर दिया जिसने, उसको कभी यहां लाने की भूल मत करना। श्री शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने तो कह दिया, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। केना कारि मुरारि समर्था, कस्य मम किं कुरुते चर्चा। भगवद गीता किंचित गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। केना कारि मुरारि समर्था, एक भी इसमें से कुछ भी एक भी बन गया। आचार्य चरण बड़े भक्तिपूर्ण भाव से कहते हैं, यद्यपि वे प्रसिद्ध हुए ज्ञानियों के रूप में, लेकिन बड़े भक्ति भाव से कहते हैं कि जिसने कन्हैया की वाणी को प्रेम से पाठ किया गीता का, और श्याम सुंदर के चरणारविंद से निश्रित गंगा जल को गीता का,
और श्याम सुंदर के चरणारविंद से निस्रित गंगा जल को लव कणिका एक बूंद भी पी लिया। और बिना कार्य मुरार समर्चा ठाकुर जी के चरणों में एक तुलसी दल, एक पुष्प, एक फल कभी जीवन में एक बार स्नेह पूर्वक अश्रुपूरित नेत्रों से प्रेम विभोर होकर चढ़ा दिया। एक बार सकृदपि एन मुरारी समर्चा, ये नहीं कहते हैं को रोजाना किया, सकृदपि सकृद माने एक, सकृदपि एन मुरारी समर्चा एक बार जीवन में किया हो। एक बार गए बद्रीनाथ और एक बार हमने, एक बार बांके बिहारी गए, एक बार पुंडरी भगवान के पास गए, कहीं भी यहीं जो राधा कृष्ण मंदिर यहां विराजमान, यहीं पर ठाकुर जी के चरणों में एक बार आपने कुछ अर्पण किया और वो सच्चे भाव से अर्पण किया, आपके मन में आनंद आएगा कि आज प्रभु ने कितने प्रेम से मुझसे सेवा ली है। बस वही आपका जो यमराज की हिट लिस्ट है ना, यमराज की हिट लिस्ट से नाम कट जाए, कहेंगे अब तुमको हमारे यहां नहीं आना, अब सीधे वैकुंठ में जाना। कृष्णाय नमति अच्छिर एकदापि, भगवान के चरणों में जिसका सिर झुकता है एक बार भी, एक बार प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बोले एक बार कृष्ण को अक्रूर की तरह से प्रणाम करो, भारत जी की तरह से प्रणाम करो। यदि एक बार प्रणाम किया है तो दस अश्वमेध यज्ञ के बराबर किया पुण्य। बोले नहीं, तुलना सही नहीं, उपमा बढ़िया नहीं, क्योंकि दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, दस अश्वमेध यज्ञ का पुनर्जन्म होगा दस अश्वमेध यज्ञ करने वाले का, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को केवल प्रणाम करने वाले का पुनरागमन नहीं है। इसलिए तो भगवान ने कहा नहीं तुझसे कुछ बनता है तो माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मनमना भो मत भक्तो मत्याजी, माम नमस्कुरु, केवल मुझे प्रणाम करता रहा, बस एक आदत तो डाल ले। अरे साष्टांग दंडवत मेरे मंदिर में जाएगा तब करेगा, लेकिन ऑफिस में है, घर में है, दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, जहां कहीं बैठा है, विद्यालय में है, कार्यालय में है, वहीं से हाथ जोड़ करके प्रभु आपकी सुंदर अरुण वरण के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे जब जब नमन करो तब तब भगवान के चरणों का ध्यान करो। ऐसी भक्ति है, कुछ खर्चा नहीं, कुछ साधना में कठिनाई नहीं। कहते हैं जिसने भगवान को नमन किया, धर्मराज बोले हे मेरे दूतों कभी मेरे यहां उसको नहीं लाना, वो वैकुंठ जाएगा। भगवान के चरण की सेवा किया, चरण की सेवा का बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ। चरण की सेवा का तात्पर्य मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में पोछा लगाना, ठाकुर जी की पूजा स्थली पर पोछा लगाना, जहां भक्त लोग कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, संत लोग स्नान करते हैं, ठाकुर सेवा की तैयारी होती है, फूल तुलसी दल आदि रखे जाते हैं, माला बनाई जाती है, वो सब उन स्थलियों का परिष्कार करना, घाट की सेवा, मंदिर की सेवा, भक्तों के स्थान की सेवा, सब ठाकुर के चरण की सेवा है। ये ठाकुर जी के चरण की सेवा की अंतर्गत सब आता है। बोले जो भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता, सेवा करता है, मेरे दूतों कभी मेरे यहां नहीं लाना, वो ठाकुर के धाम में जाए।
बोले महाराज अब ये तो बता दो कि आपके यहां कौन आएंगे। बोले जिह्वा निवक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम गुण कहना नहीं चाहती, परेशानी ऐसी आ जाए कि बोलना ही पड़े तो उसको बहुत कष्ट हो और वो हरिनाम गुण बिल्कुल पसंद नहीं करे, उसको बांध करके रस्सियों से और मारते मारते डंडा और खसीट करके मेरे यहां लाए। जो भगवान की याद कभी नहीं करता, भगवान की याद करने को कहा जाए तो भगवान को गाली देता है, उसको डंडे मारते हुए मेरे यहां ले आना। भगवान को नमन नहीं करता, उसको भी मारते हुए ले आना। धर्मराज कहते हैं लेकिन भैया किस समय किस जीव का परिवर्तन हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा पुण्य कर दो बहुत बड़ा पुण्य होता है, जनता के लिए बहुत कुछ कर दो तो वो नहीं उतना होगा, लेकिन भगवान के लिए कर रहे इस भाव से जनता के लिए करो तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। कोई एक आदमी पान खाने का शौकीन, पान के डिब्बे में से पान निकाला और जब वो पान मुख में डालने लगा तो खोल के देखा तो उसमें चूना ज्यादा लगा हुआ था, तो उसने सोचा ये चूना कहीं फेंक दे, तो चलते चलते चूने को उसने बगल में एक दीवाल थी उस पर पोत दिया और उस दीवाल, वो दीवाल कौन सी थी, मंदिर की थी, अंदर ठाकुर जी बैठे हैं श्री राधा कृष्ण। भगवान कृष्ण ने कहा श्री जी ये आदमी जो जा रहा है वैसे तो भक्त नहीं है लेकिन आज इसने एक बहुत बढ़िया काम किया। श्री जी ने कहा महाराज कौन सा काम किया। भगवान ने कहा मेरे मंदिर में 12 साल से सफेदी नहीं की गई, उताई नहीं की गई, चूना नहीं लगा, 12 साल से मंदिर वालों को ख्याल ही नहीं, आज ये भक्त तो नहीं है लेकिन चलते चलते ही पान में से चूना निकाल करके मेरे मंदिर की दीवार में थोड़ी दूर सफेदी कर दिया। बढ़िया काम किया ना धर्मराज। हमारा क्या आदेश, ये आदमी पापी है कि पुण्यात्मा। बोले महाराज बहुत पापी है, इसको कहां ले जाओगे, नरक में। इसके पाप होंगे मैं मानता हूं लेकिन इसने मेरे मंदिर में सफेदी करवाई वो अपने हाथ से की, वो पुण्य कितना बड़ा पुण्य। बोले महाराज जो आपके मंदिर में सफेदी करे उसको सौ सौ दंड, वो तो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है। महाराज वो तो आपके धाम में जाएगा, मैं कौन हूं रोकने वाला। सकृदप एन मुरारी समर्चा, थोड़ी भी सेवा भगवान के मंदिर की भगवान की बन जाए बस उतने से ही भगवान अपनी ओर खींच लेते, अनजान में बन जाए तो भी, जानबूझ के हो तब तो कल्याण होता ही, अनजान में हो जाए तो भी, वो तो जानबूझ के सफेदी थोड़े किया था, अनजान में किया था। अरे पापी हो, दुरात्मा हो, घोर पापात्मा हो और ठाकुर जी को अनजान में प्रणाम कर ले, भगवान कहते हैं चल तूने प्रणाम तो किया, माम नमस्कुर मेरा आदेश है, तैने मेरी गीता की वाणी का आदेश पालन किया, इसलिए मेरी कृपा तेरे ऊपर। अत्यंत मदिरा पीने वाला नशेबाज मतवाला धुत है नशे में, साधु महात्मा कोई भक्त पुजारी दिखलाई पड़े तो डंडा लेके खदेड़ता है, कोई कहे कि देखो गौ माता जा रही है प्रणाम कर लो कल्याण होगा पुण्य होगा तो गौ को पत्थर मारे, पीपल है प्रणाम करोगे तो कल्याण होगा पीपल पर थूक दे, ऐसा दुरात्मा। लेकिन भैया भगवान क्षमा न करें तो जीव तो कभी भी अपना सुधार कर ही नहीं सकता है। ऐसा पापी एक साधु को खदेड़ लिया, किसी ने कहा दिया साधु महाराज जा रहे इनको प्रणाम करो कल्याण होगा, उसने डंडा लेके खदेड़ा, खूब पिया था शराब गले में, और जब उसने खदेड़ा महात्मा को, महात्मा भागे चिल्लाते भैया बचाओ बचाओ,
और दौड़कर एक मंदिर में घुसे। मंदिर में कीर्तन चल रहा था, उनकी आवाज सुन के कीर्तन लोगों ने बंद किया और सब दौड़े। क्या हुआ, किसने खदेड़ा, किसने मारा इनको? और वो जो नशेबाज खदेड़ रहा था वो मंदिर के द्वार तक दौड़ाते हुए जब पहुंचा तो दरवाजे के सामने एक ईंट पड़ी थी, ईंट में पांव फंसा और लड़खड़ा करके धड़ाम से आगे गिरा वो नशेबाज। और पता नहीं कितने वर्षों से शराब पी रहा था, पीते पीते हृदय जल चुका था, कलेजा उसका खत्म हो चुका था, फेफड़े गल चुके थे, और जब जोरों से गिरा है बस गिरते ही जय जय सीताराम, उठा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, मंदिर राधा कृष्ण का था, भगवान कृष्ण ने कहा, श्री जी लोग मेरे मंदिर में आते हैं तो दंडवत करते हैं तो बहुत संभाल करके करते हैं कि कहीं कपड़ा गंदा न हो जाए, कहीं चोट न लग जाए, थोड़ा हाथ पैर बचा करके, कपड़ा बचा करके करते हैं, साधु महात्मा वैष्णव लोग भी। और इसने ऐसी दंडवत की कि बेचारे के माथा फूट गया, दांत फूट गए, लेकिन इसने न कपड़ा बचाया न तन बचाया, बड़ी जोर की दंडवत लगाई, इसने तो बड़ा भारी पुण्य किया। श्री जी हंसने लगी, महाराज आपने इसको दंडवत मान लिया? हाँ मैंने दंडवत मान लिया। तो महाराज जब आप कहते हैं कि इसने दंडवत की है तो महाराज इतना ही नहीं, एक पुण्य तो ये हुआ ही, महाराज एक पुण्य और हो गया। और कौन सा पुण्य हो गया? श्री जी ने कहा, महाराज सामने पीपल का वृक्ष भी तो है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पीपल का वृक्ष आपकी विभूति है, तो महाराज इसने आपकी विभूति को प्रणाम किया, महाराज दुगुना पुण्य हो गया। भगवान ने कहा, श्री जी इतनी बात नहीं, इसने जब प्रणाम किया है, दंडवत किया है, तो सामने से गैया मैया निकल रही थी, गौ माता, उसको भी प्रणाम हो गया, तीन गुना पुण्य हो गया। श्री जी ने कहा, महाराज तीन गुना ही पुण्य नहीं हुआ, सामने तुलसी का एक गमला भी रखा था, उसको भी प्रणाम हो गया, तुलसी माता तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, चार गुना पुण्य हो गया महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा, किशोरी केवल चार ही गुना पुण्य नहीं हुआ है, इसने जब प्रणाम किया है तो इसकी दृष्टि मंदिर के कलश पर भी पड़ गई, मंदिर के कलश के दर्शन का बहुत बड़ा पुण्य, पांच गुना पुण्य हो गया। उसी समय श्री जी ने कहा, महाराज सब साधु महात्मा दौड़ के निकले अंदर से, तो उनके तिलक का दर्शन मिला, कंठी का तिलक का दर्शन मिला, तो ये तो छह गुना पुण्य हो गया। श्री जी ने कहा, महाराज जिस समय ये चिल्लाता हुआ गिरा है उस समय एक बिल्ली दौड़ी थी चूहे को पकड़ने, हल्ला गुल्ला सुन के भगी और चूहे की जान बच गई, सात गुना पुण्य हो गया। और भगवान कृष्ण ने कहा, राधा रानी उस समय पीछे से मंदिर में चोर सेंद लगा रहे थे, सोच रहे थे सब लोग कीर्तन में मस्त है, किसी को पता नहीं चलेगा, सेंद लगा लो, लेकिन तब तक लोग उठ करके भागे और उनकी हल्ला गुल्ला सुन करके चोर भागे, तो सात गुना पुण्य हो गया क्योंकि मंदिर की संपत्ति बच गई। और फिर इसके बाद श्री जी ने कहा, महाराज ये जहां पर गिरा है, दंडवत किया है, इसके मुंह में जो मिट्टी गई है वो संत चरण रज थी महाराज, वो मुंह में चली गई इसके, इसलिए इसका महाराज आठ गुना पुण्य हो गया। भगवान ने कहा, देवी जिस समय इसके प्राण निकल रहे थे साधु भागते हुए आए और बोले राम 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 राम, ये क्या हो गया, राम राम ये क्या हो गया, उसके कान में राम राम सुनाई पड़ गया, नौ गुना पुण्य हो गया। और नौ से बड़ी तो कोई गिनती होती नहीं, इसलिए इसका उद्धार हो गया। अनजान में एक पुण्य हो जाए तो भगवान उस पुण्य को बढ़ाते चले जाते हैं, जीव के ऊपर कृपा करते हैं। धर्मराज कह रहे हैं, जिसने भगवान के नाम उनको कभी गाया नहीं, सुना नहीं, प्रेम से उसकी साधना जब कीर्तन नहीं किया, उसको या मेरे यहां लाओ।